नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। किसी भी चीज का इसमें बंदिश नहीं है कि ये दिन होना चाहिए, वार होना चाहिए, ये समय होना चाहिए, नहीं। एनी टाइम, एनी टाइम, एनी डे आप इसको कर सकते हैं। ये उपाय आपके तमाम प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला उपाय है। अभी राहु बहुत पावरफुल है और मैं बताती हूँ मासिस राहु से जुड़ी हुई है, है ना? आप जब कॉल करते हैं, मैंने कितने को सजेस्ट किया है कि अभी राहु बहुत पावरफुल है, आप मच्छी मणि जरूर पहनें। मच्छी मणि आपको विदेश भी भेज देगी। मच्छी मणि सट्टा में, लॉटरी में आपकी किस्मत को चमकाएगी। जो लोग कैशिनो में जाते हैं, रमी खेल रहे हैं, वो तो जरूर करें। जिनको जिनके ऊपर कोई बुरी बला है, किसी का किया कराया है, नजर है, हाय है, बद्दुआ है, जो लोग बीमार रहते हैं, जो भूत पिशाच जिन से भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि राहु जब आपको परेशान करते हैं तब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ ही जाती हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मच्छी मणि धारण करें। मच्छी मणि इन तमाम चीजों का रामबाण उपाय है। मच्छी मणि धारण करें, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। और अगर तुरंत नहीं मिल रहा है तो समझिए आपकी जो नेगेटिविटी है आपके घर में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो धीरे धीरे जब हटेगी तब ये चीज काम करेगी, लेकिन ये चीज लाजवाब है। कई लोगों का तो तुरंत फोन आया कि मैडम इतने दिनों से हम नंबर लगा रहे थे, लेकिन मच्छी मणि धारण किया तुरंत हमारा नंबर लगा। एक ने तो मुझे कॉल करके बताया कि मैडम मेरे पास तो मच्छी मणि आई भी नहीं थी और मुझे लॉटरी लगी थी। ये चीजें बहुत पावरफुल होती है। आपने शुरुआत की, जैसे मैं बताती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास ये चीज आएगी और काम करेगी। आपने इसको ऑर्डर किया, मतलब समझो आपने शुरुआत तो कर ही दी उस चीज को अपने पास आने का, आपने आमंत्रण दे दिया है, चीज वहीं से इफेक्टेड हो जाती है। तो राहु को शांत करने के लिए मच्छी मणि बहुत बढ़िया उपाय है। या फिर आप गोमेद धारण करें। जो लोग राहु से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनकी जन्म तारीख 4, 13, 4, 13 या 22 या 31, ये लोग गोमेद धारण करें। जो राहु से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या तो मच्छी मणि या आप गोमेद पहने, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस उपाय को भी आप करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। आपको ये उपाय कंटिन्यू 3 दिन तो कम से कम करना होगा। आप एक प्लेट ले लें, एक कागज ले लें, पेन ले लें और अपनी इच्छा 4 बार लिखें। कागज पर अपनी इच्छा 4 बार लिखें। लिखने के बाद आप अपने कुलदेवी, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव सभी को प्रणाम करें और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र को 4 बार बोल करके माचिस की तिल्ली से उस कागज को जला दें। 4 बार भी बोल सकते हैं, ज्यादा पावरफुल करना चाहते हैं 40 बार भी बोल सकते हैं, और उसको जला दें। बराबर, जब वो जल जाती है तो जो उसकी भस्म है उसको आप किसी हरे भरे पेड़ के नीचे डाल दें, दबा दें। ये क्रिया आप कंटिन्यू 3 दिन, कम से कम 3 दिन, 4 दिन करें, सॉरी 4 दिन कम से कम करें। फिर से बता दूं, कितनी बार नंबर्स बताने में कुछ आगे पीछे हो जाता है तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना। कम से कम 4 दिन करें, 3 दिन नहीं, 4 दिन करना है आपको। और कम से कम 4 बार राहु का मंत्र बोलना है या 40 बार बोलना है। बराबर, और माचिस से ही जलाना है और किसी चीज से नहीं। जैसे आप मोमबत्ती का सोचे या कोई भी और चीज से सोचे कि इस कागज को जला दे, नहीं, माचिस राहु से जुड़ी हुई है, माचिस से इसको जलाएं। आप रिजल्ट देखें।
आपकी कोई भी विषय बहुत जल्दी पूरी होगी। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।